बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज पर। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू वीकेबी माय डॉक्टर एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर दिस शो। सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश खेतान, हुज एक्चुअली कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर। डॉक्टर खेतान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी दैट डॉक्टर खेतान जो हैं वो एक्स चेयरमैन रह चुके हैं ऑफ सेंट्रल इंडिया नेफ्रोलॉजी सोसाइटी इन द ईयर 2004 to 2006, पास्ट प्रेसिडेंट अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड इसके साथ साथ ही हैज बीन अ पास्ट चेयरमैन नेफ्रोलॉजी सोसाइटी इन द ईयर 2015 to 2017। दर्शकों, आज हम लोग इस सेक्शन में, इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं किडनी रिलेटेड डिजीजेस के बारे में। आमतौर पर किडनी से रिलेटेड ऐसी कई समस्याएं हैं जो आमतौर पर पाई जाती हैं, आप में से कई लोगों ने सफर भी की होगी। किडनी डिजीज में ऐसी कौन सी कॉमन समस्याएं जो पाई जाती हैं, इसके कॉजेस क्या हैं, इसके सिम्टम्स किस प्रकार है, इस पर ट्रीटमेंट किस प्रकार है, और किडनी फेलियर जो है इस बारे में भी आपकी कई ऐसी गलत धारणाएं होंगी, किडनी से रिलेटेड ऐसी कई मिथ्स होते हैं, इन सारी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज के माई डॉक्टर में। डॉक्टर खेतान, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बिफोर जंपिंग ऑन टू द सब्जेक्ट, नेफ्रोलॉजी जो टर्म है इसे डिफाइन कीजिए प्लीज। नेफ्रोलॉजी ये मेडिकल साइंस, मेडिसिन की वह सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है जहाँ पर किडनी की बीमारियों का इलाज दवाइयों के द्वारा और साथ ही साथ डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का सर्जरी नहीं आता है। सर्जरी सर्जिकल ब्रांच रहती है जो किडनी की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, उन्हें यूरोलॉजी कहा जाता है। और नेफ्रोलॉजी प्योरली जो किडनी से संबंधित बीमारियों का इलाज मेडिसिन के द्वारा किया जाता है वह नेफ्रोलॉजी में आता है। जी डॉक्टर खेतान, मैं पूछना चाहूँगी कि किडनी समस्याएं तो वैसे बहुत हैं और अब सिनारियो बहुत बदल चुका है। एक ज़माना हुआ करता था जब किडनी समस्याएं बहुत कम पाई जाती थी, बहुत सिलेक्टेड ऐसी बीमारियां थी जो पाई जाती थी, लेकिन अब जो है सिनारियो चेंज हो चुका है और बहुत नई नई चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। मे बी शायद जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी हैं। तो किडनी समस्या जो है, आपको क्या लगता है क्या रेशियो है फ़िलहाल उसका? अभी किडनी की बीमारियां काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि जिस प्रमाण में ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, डायबिटीज़ बढ़ गया है और बाकी भी जो किडनी को नुकसान करती ऐसी बीमारियों का प्रमाण है वो बढ़ गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले हम डायग्नोज नहीं कर पाते थे, पहले हम ट्रीट नहीं कर पाते थे, इसलिए जो भी पेशेंट्स को किडनी की बीमारियां होती थी वे ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाते थे। और पहले जो किडनी की बीमारियों का इलाज था वो सिर्फ बड़े शहरों में उपलब्ध था और काफ़ी खर्चीला था, तो काफ़ी लोग उसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, इसलिए किडनी के पेशेंट्स काफ़ी जल्दी बीमारी से ग्रसित होके अपना शरीर, अपना जीवन जल्दी ही खो देते थे। तो अब जो उपचार आ गए हैं, जैसे हार्ट के ट्रीटमेंट हो जाती है, एंजियोप्लास्टी हो जाती है, बाईपास सर्जरी हो जाती है, हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है, जो लॉन्गेविटी रहती है वो बढ़ गई है। पहले जो 55-60 साल थी, अभी वो बढ़ के 75-80 साल हो गए हैं। जो लॉन्गेविटी है वह बढ़ गई है, तो इसलिए लोग ज़्यादा समय, उनकी आयु बढ़ गई है, आयु बढ़ने के वजह से बीमारियां बढ़ गई है और इस तरह से किडनी की बीमारियों का प्रमाण बढ़ गया है। ओके, ऐसी कौन सी कॉमन समस्याएं हैं किडनी से रिलेटेड जो आम तौर पर पाई जाती हैं? सबसे बड़ा कारण जो किडनी ख़राब होने का है वो डायबिटीज़ है। उसके बाद में नंबर आता है ब्लड प्रेशर का, और उसके बाद में आता है जो इम्यून रिलेटेड इलनेसेस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स रहते हैं जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तीसरे नंबर पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आता है,
और चौथे नंबर पे आता है क्या बोलते हैं स्टोन और इन्फेक्शन से होने वाले किडनी की खराबियाँ, और बाद में कुछ अनुवांशिक बीमारियाँ रहती है, कुछ कंजेनेटल डिसऑर्डर्स रहते हैं जो किडनी, जिसमें किडनी ख़राब रहती है, किडनी नॉर्मल नहीं होती बचपन से ही, तो इस तरह के किडनी के मार्ग में रुकावट हो जाना, प्रोस्टेट बढ़ जाना और स्टोन हो जाना, और अलग अलग तरह के जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक, वो किडनी को डैमेज करते हैं और किडनी को ख़राब कर सकते हैं। ओके डॉक्टर गीतांग, क्या हाइपरटेंशन डायबिटीज वर्सन कर सकती है सिचुएशन को? जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज़ इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर ऑल द वर्ल्ड, तो जैसे 100 मरीज डायबिटीज़ के हैं तो उसमें करीब 30-35% लोगों की किडनी पे इफ़ेक्ट होता है, बाकी 65% लोगों की किडनी पे इफ़ेक्ट नहीं होता है। और यह जो डायबिटीज़ से होने वाला जो नुकसान है, तो ये पहले 10 सालों में खास करके दिख जाता है जिन पेशेंट्स को, जो 35 लोग हैं जिनकी किडनी ख़राब होने वाली है 100 में से, उनके पहले 10 साल में ही पता चल जाता है कि इनके किडनी पे इफ़ेक्ट हो गया है। किडनी के साथ साथ आँखों पे भी इफ़ेक्ट होता है, और ब्लड प्रेशर भी, ब्लड प्रेशर का जो प्रमाण है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम ब्लड प्रेशर को एक अगर कम नापतोल करना चाहे तो करीब 1/3 ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन है उनको हाइपरटेंशन है, और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों भी ऐसे साइलेंट डिसऑर्डर्स है। अगर हम ब्लड प्रेशर चेक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, उसी तरह शुगर हम लोग जब तक के चेक नहीं करेंगे हमें शायद जानकारी ना मिलेगी हमें डायबिटीज़ है। तो ये दोनों साइलेंट डिसऑर्डर्स एंड अंदर ही अंदर काफ़ी नुकसान कर देते हैं, और जब तक के वह सरफेस पे आता है, पेशेंट को पता लगता है या रिश्तेदारों को पता चलता है, तब तक काफ़ी देरी हो चुकी रहती है। और ये सिस्टमिक डिसीजेस है, ये सिर्फ किडनी को अफेक्ट नहीं करते हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, हार्ट को अफेक्ट करते हैं, आइज़ को अफेक्ट करते हैं और किडनी को अफेक्ट करते हैं। तो दीज आर सिस्टमिक डिसऑर्डर्स विच कैन अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स इन द बॉडी एट द सेम टाइम। ओके, क्या कारण हो सकते हैं इसके? सिम्टम्स अगर देखें हम लोग, लक्षण अगर देखें, तो कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं? सबसे पहला लक्षण जो अगर किडनी के लिए आता है, तो कम उम्र में अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसको अनुवांशिकता नहीं है और ब्लड प्रेशर उसको हो गया है, तो किडनी की जाँच होना चाहिए। दूसरा, पैरों पर सूजन आना, आँखों पर सूजन आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में ब्लड जाना, इस तरह के जो कॉमन सिम्टम्स हैं। और लेट स्टेजेस में जब किडनी पे काफ़ी ख़राबी हो जाती है, तब भूख नहीं लगना, कुछ खाने पर उल्टी हो जाना, थोड़ा भी चलने पर थकान महसूस होना या दम फूल जाना, इस तरह के सिम्टम्स, खून की कमी हो जाना, एनीमिया इज़ वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ किडनी डिसीज़। बट दीज सिम्टम्स यूजुअली ऑकर इन वेरी लेट इन द इलनेस। अगर हमको पहले पता करना है तो हमको ब्लड टेस्ट करानी है, यूरिन टेस्ट करानी है और सोनोग्राफी कराना है। ये अगर तीन टेस्ट हम करते हैं और ये तीन टेस्ट पूरी तरह से नॉर्मल है, तो हम ये कह सकते हैं कि किडनी सुरक्षित है। एजिंग क्या इफेक्ट कर सकती है किडनी को? क्योंकि डॉक्टर, एक टाइम जो था, मैंने जैसे पहले भी कहा कि सिनारियो बदल चुका है, चीज़ें, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुकी हैं, तो उसकी वजह से ऐसी कई समस्याओं को हम आमंत्रण दे रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसीजेस, अगर जब हम ये कहना चाहें तो लाइफस्टाइल डिसीजेस में डायबिटीज़ भी आता है, हाइपरटेंशन भी आता है, ओबेसिटी यानी मोटापा जो है वो भी एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। और हमारा जो अभी लाइफस्टाइल है उसमें हमारा शारीरिक परिश्रम बहुत कम हो गया है और हमारा खानपान बहुत बिगड़ गया है, हम फास्ट फूड के तरफ चले गए हैं जिसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, सोडियम लेवल्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और जो ये प्रिजर्वेटिव रहते हैं कभी काफ़ी शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो हम जैसे लाइफस्टाइल डिसीजेज बढ़ रहे हैं, हम एक तरह से सभी बीमारियों का प्रमाण बढ़ रहा है, हार्ट अटैक का प्रमाण बढ़ रहा है, किडनी फेलियर का प्रमाण बढ़ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक का प्रमाण बढ़ रहा है। तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल सुधार सके, हम अपनी जीन्स तो नहीं सुधार सकते, हम अपनी जीन्स चेंज नहीं कर सकते, तो जो हमें अपनी जीन्स में मिला है उसको भी अगर हमको टालना है, उसको डिले करना है,
तो हमको लाइफस्टाइल अच्छा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी ट्रू। इफ किसी को डिटेक्ट होता है किडनी समस्या से रिलेटेड समस्या, तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, किस तरह डायग्नोस किया जाता है? हमको जिन्हें ब्लड प्रेशर है, जिन्हें डायबिटीज़ है, उन्होंने नियमित रूप से साल में एक बार उनकी किडनी की टेस्ट करना चाहिए, चाहे उन्हें कोई सिम्टम्स हो चाहे ना हो। अगर क्योंकि हम अगर उनको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उनको बहुत ही जड़ के लेवल पे पकड़ना पड़ेगा। उनको जल्दी पकड़ना है तो हमको एनुअल चेकअप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनुअल चेकअप में आता है यूरिन की जांच करवाए, यूरिन में एल्ब्यूमिन जा रहा है क्या उसकी जांच करें। दूसरा साथ ही साथ हम ब्लड में जो क्रिएटिनिन है जिससे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मालूम कर सकते हैं, EGFR कहते हैं, वो हम कैलकुलेट करें एनुअली। और तीसरा है कि अगर ये दोनों अबनॉर्मल है तो हम सोनोग्राफी करें और जो कुछ स्पेशलाइज टेस्ट रहते हैं वो करें। ये तो बेसिक जो दो टेस्ट है वो एक यूरिन की जांच है और एक सीरम क्रिएटिनिन की जांच है। ये दो जांच करके हम किडनी की अवस्था के बारे में मालूम कर सकते हैं। जी, किसे अगर अक्यूट किडनी प्रॉब्लम है तो कितना टाइम लेती है ये चीज़ और कितना टाइम लगता है? किडनी के जो फेलियर कहते हैं हम, जो किडनी इंजुरीज़ कहते हैं, वो दो तरह से होती है। एक एक्यूट किडनी इंजुरी होती है, एक क्रॉनिक किडनी इंजुरी होती है। एक्यूट किडनी इंजुरी के काफ़ी सारे कारण हैं, जैसे काफ़ी सारे इन्फेक्शंस है जिसमें किडनी ख़राब हो सकती है, काफ़ी सारी दवाइयां हैं जो किडनी ख़राब कर सकती है। तो ये जब एक्यूट किडनी इंजुरी होती है तो किडनी टेम्पररीली काम करना बंद कर देती है। जो जैसा मैंने बताया इन्फेक्शन के वजह से अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, अगर हम वो इन्फेक्शन को प्रॉपरली ट्रीट करते हैं और वो इन्फेक्शन क्योर हो जाता है तो उससे संबंधित जो किडनी को इंजुरी हुई है वह भी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। यानी काफ़ी हाई परसेंटेज ऑफ केसेस में एक्यूट किडनी इंजुरी जो रहती है अगर प्रॉपरली और टाइमली डिटेक्ट हो गई और ट्रीट हो गई तो ऑलमोस्ट 60-70% केसेस में कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। और करीब 30% जो लोग रहते हैं जिनको एक्यूट किडनी इंजुरी होती है वह पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाते। उनका अगर पार्टली रिकवर हुआ तो उनका टेम्पररीली डायलिसिस बंद हो जाता है, और जो कुछ भी रिकवरी नहीं हुई उनको परमानेंटली डायलिसिस पर रहना पड़ता है। और जो 60-70% मरीज जो कई बार बिना डायलिसिस के भी रिकवर हो जाते हैं, और अगर डायलिसिस करना भी पड़ा तो टेम्पररीली उनको 4-12 हफ्ते के अंदर उनकी रिकवरी संभव हो जाती है। अगर 3 महीने के अंदर एक्यूट किडनी इंजुरी रिकवर नहीं हुआ है तो उसको हम एक्यूट किडनी इंजुरी ना कह के हम क्रॉनिक किडनी डिसीज कहते हैं। अगर हम क्रॉनिक के बारे में बात करें तो इसका क्या प्रोसीजर? क्रॉनिक किडनी डिसीज काफ़ी स्लोली प्रोग्रेसिव रहता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज मतलब किडनी की ऐसी बीमारी जिसमें किडनी का जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो कम हो गया है और वो किसी भी इलाज के द्वारा वो नॉर्मल नहीं होने वाला है। तो और ये इसका ड्यूरेशन अगर 3 महीने से ज़्यादा है तो पेशेंट को हम क्रॉनिक किडनी डिसीज़ करके डायग्नोस करते हैं। इसकी डिफरेंट स्टेजेस रहती है, CKD के स्टेजेस रहते हैं, CKD स्टेज 1-5। और आमतौर पे CKD स्टेज 3 के बाद में जो पेशेंट की तकलीफें रहती है वो CKD स्टेज 3 से काफ़ी बढ़ जाती है और इन पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। जैसा मैंने कहा कि CKD एक बार हो गया तो ठीक नहीं होता है, चाहे आप एलोपैथी दवा लें, चाहे आप होम्योपैथी दवा लें, चाहे आप आयुर्वेदिक दवा लें, चाहे आप यूनानी मेडिसिन लें, कोई भी तरह की आप अगर दवा लेते हैं, एक बार क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो गया तो वो किसी भी दवा से क्योर नहीं होगा। और क्योर नहीं होगा तो क्या होगा, आइदर वो स्लोली वेरी स्लोली प्रोग्रेस होके किडनी ख़राब हो जाएगी या फिर वो काफ़ी साल उसी स्टेज में स्टेबल रहेगा बिना कोई ज़्यादा को शरीर को तकलीफ किए। और अगर वह खराबी रुकती नहीं है तो उसका इलाज जो होता है, इलाज का जो उद्देश्य रहता है, CKD होने से जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखे, जिससे ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में रहता है तो जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज़ रहता है
वह काफ़ी कम हो जाता है। जैसे अगर हम इलाज नहीं कराते हैं तो किडनी 2 साल में अगर ख़राब हो जाती है, अगर हम उसका प्रॉपरली ट्रीट करते हैं तो 2 के बजाय 10 साल तक के हम उनको दवाइयों के ट्रीट कर सकते हैं। और जो इलाज जैसे डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत बिना इलाज के 2 साल बाद पड़ने वाली, तो इलाज के बाद हो सकता है वो हमको 10 साल बाद पड़े या ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। मेडिकेशन में जैसा मैंने कहा, जैसे आपको किडनी डायबिटीज़ के वजह से ख़राब हुई है तो आपको प्राइमरी डिसीज जो है वो डायबिटीज़ है, तो आप जितना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखेंगे उतना जो किडनी ख़राब हो गई है उसको जो बढ़ने का रेट ऑफ प्रोग्रेशन रहेगा वो कम रहेगा। उसी तरह अगर ब्लड प्रेशर के वजह से अगर किडनी ख़राब हुई तो हमको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है। और किडनी ख़राब होने के वजह से शरीर में विभिन्न तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे पेशेंट का ब्लड कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, तो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हमको आयरन के इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं, इरिथ्रोपोर्टिन के जो हार्मोन किडनी बनाती है उसके इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं, तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए हमको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। उसी तरह जो किडनी का एक और फंक्शन है कि एसिड बेस बैलेंस शरीर में जो है वो मेंटेन करना, तो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमको एडिशनल सोडा बाइकाप की टैबलेट्स लेनी पड़ती है क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में। तीसरा जो इफ़ेक्ट होता है वो हड्डियों पे होता है, हड्डी और मांसपेशियों पे, जो बोन्स रहती है वो वीक हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है, फॉस्फोरस बढ़ जाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हमको ये सब जो प्रॉब्लम्स किडनी के सब ऑप्टिमल फंक्शन करने के वजह से उत्पन्न होते हैं उनको हमको हर एक एस्पेक्ट को ट्रीट हमको करना पड़ता है, जिससे हम पेशेंट का स्वास्थ्य वो अच्छा रख सके और उसको जो एंड स्टेज किडनी डिसीज पे जाने से डिले कर सके, रोक सके। ओके, किस तरह की डायलिसिस को रिकमेंड किया जाता है यूजुअली पेशेंट्स को? डायलिसिस यूजुअली CKD stage 5 जो रहता है, एंड स्टेज किडनी डिसीज या CKD stage 5 पे डायलिसिस का रिकमेंड किया जाता है जब जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी रहती है वो 15 ml पर मिनट से कम हो जाती है, तब डायलिसिस के लिए रिकमेंड किया जाता है। और आमतौर पे हम लोग जो ब्लड यूरिया और क्रिएटिन करते हैं तो हम ब्लड यूरिया और क्रिएटिन के लेवल पे डायलिसिस करना कि नहीं करना ये डिसाइड नहीं करते, हम लोग यूजुअली पेशेंट के सिम्टम्स पे डिसाइड करते हैं कि डायलिसिस कब किया जाए। अगर उसका उसको खाना चलना कम हो गया है, उसको कुछ भी खाने पे उल्टी हो रही है, पेशाब होना बंद हो गई है, पोटेशियम लेवल बहुत हाई हो गए हैं, एसिडोसिस बहुत बढ़ गया है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने के वजह से हार्ट के झिल्ली पे सूजन आ गई है, पेरिकार्डाइटिस हो गया या ब्रेन पे इफेक्ट हो गया, पेशेंट को यूरेमिक एनकेफेलोपैथी हो गई है, अगर इस तरह के जब सिम्टम्स आने लगते हैं तब उसको डायलिसिस पे डालना अनिवार्य हो जाता है। तब हम उसको बिल्कुल डिले नहीं कर सकते, हमको तुरंत ही पेशेंट को डायलिसिस पे डालना पड़ता है, अदरवाइज हम वो स्टेज आने तक के दवाइयों से पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, कई बार सुना जाता है किडनी फेलियर, ये कब हो जाती है, स्थिति कब पैदा हो जाती है कि ऐसा होता है किडनी फेल हो गई उसके बाद ट्रांसप्लांट का एक प्रोसीजर होता है? जो पेशेंट का GFR 15 ml से कम हो गया है और हम ये देख रहे हैं कि उसकी जो किडनी की फंक्शनिंग है वो दिनों दिन हफ्तों बाय हफ्तों या महीनों महीनों में उनका क्रिएटिनिन बढ़ते जा रहा है, हीमोग्लोबिन कम होते जा रहा है, और सभी प्रयासों के बाद में हम उस पर उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में और EGFR जैसा मैंने बताया कि 15 ml से कम हो गया है, ऐसे स्थिति में हमको पेशेंट को 2 चॉइस देनी पड़ती है। एक, या तो आप ट्रांसप्लांट कराएं जो कि काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है, और दूसरा है कि डायलिसिस की तैयारी करें। तो जो पेशेंट डायलिसिस के लिए ऑप्ट करते हैं उनके लिए हमें फिशुला बनाना पड़ता है, एक छोटा ऑपरेशन होता है डायलिसिस के लिए, या उनको अगर पेरिटोनियल डायलिसिस करके दूसरा डायलिसिस होता है, एक हीमोडायलिसिस होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, अगर पेरिटोनियल डायलिसिस कराना है तो पेट में नली लगानी पड़ती है ऑपरेशन करके। तो इस तरह से किडनी फेल हो जाना मतलब एक्यूट किडनी में तो हम लोग डायलिसिस टेम्पररी रहता है, कुछ समय के लिए पेशेंट डायलिसिस पर रहता है और बाद में डायलिसिस बंद हो जाता है,
तो एक्यूट किडनी फेलियर इज रिवर्सिबल, क्रॉनिक किडनी फेलियर इज इरिवर्सिबल, और क्रॉनिक किडनी फेलियर जब इरिवर्सिबल है और ऐसी स्टेज पे आ गया है कि जब पेशेंट को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करना है, तब हम लोग को ये दोनों ऑप्शंस में से एक चूज करना पड़ता है। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ये ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है, व्हाट इज दिस प्रोसीजर अबाउट, किस तरह से ये वर्क होता है? किडनी ट्रांसप्लांट आमतौर पे दो तरह से होता है, एक लिविंग का डोनर डोनेशन होता है और एक डिसीज डोनर होता है। जैसे परिवार से अगर कोई व्यक्ति किडनी देना चाहे तो उसका एक किडनी, हमारे शरीर में दो किडनी होती है और हमारी एक किडनी में इतनी शक्ति रहती है कि वह दोनों किडनी का काम संभाल सकती है। तो इसी तरह अगर घर में कोई स्वस्थ डोनर है, कोई जैसे बेटे की किडनी ख़राब हो गई है तो माँ पिताजी दे सकते हैं, भाई बहन दे सकते हैं। इसमें उम्र करीब 18 से 60 साल की उम्र के व्यक्ति की किडनी ली जाती है और उनके पूरी जाँच होने के बाद अगर उनकी सब रिपोर्ट्स अगर व्यवस्थित है, नॉर्मल है और ये दिख के आ रहा है कि उनकी एक किडनी निकालने से उनके जीवन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तब उनकी एक किडनी निकाल के जो पेशेंट है उसको लगा देते हैं। और इस तरह से ये लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट होता है। और दूसरा होता है डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट। डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट ये जो होता है, ये जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमिटी, इनके मार्फत से होता है। पेशेंट जो किडनी फेल हो चुकी है, डायलिसिस पे है, उनको जिस अस्पताल में ट्रांसप्लांट कराना है वहाँ पे उनको डिसीज ऑर्गन डोनर के लिए रजिस्टर करना पड़ता है और उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उनका डायलिसिस कंटिन्यू किया जाता है। और डिसीज डोनर का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है विभिन्न कारणों से, सिर पे चोट लगने के कारण ब्रेन को काफ़ी क्षति हो चुकी है और वो रिकवर नहीं होने वाला है, पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो गया है और ब्रेन ने फंक्शनिंग बंद कर दिया है, और लेकिन उनका हार्ट चालू है और उनका ब्रीदिंग हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के द्वारा कर रहे हैं, उनकी किडनी अच्छे से काम कर रही है, लीवर अच्छे से काम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जिनका ब्रेन स्टेम काम करना बंद कर दिया है, इसको हम डिसीज डोनर कहते हैं। तो उनके हम लोग मल्टीपल ऑर्गन्स निकाल के जो एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर से जो पेशेंट्स सफ़र हो रहे हैं उनको दे सकते हैं। तो ऐसे दो तरह से हम लोग ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं। जो वेटिंग लिस्ट रहती है वो ZTCC द्वारा मेंटेन की जाती है और जो ऑर्गन एलोकेशन होता है वो भी ZTCC के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से दो तरह से हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, एक लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट और एक डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट। ये कैसे देखा जाता है कि इफ समवन कैन बी अ गुड कैंडिडेट फॉर अ किडनी ट्रांसप्लांट, किस तरह से देखा जाता है? आप ये जानना चाहती हैं अगर वह डायलिसिस पे पेशेंट अच्छा कर रहा है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, उसको किसी दूसरी तरह का प्रॉब्लम नहीं है,
यानी कैंसर नहीं है ऐसा, उसका उसके शरीर में सिर्फ किडनी लगा देने से उसकी जो प्रॉब्लम से वो सॉल्व हो जाएगी, उसका डायलिसिस बंद हो जाएगा, उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अगर हम ये कर सकें और वो ऑपरेशन को सस्टेन कर सकता है, अगर ऑपरेशन के लिए वो फिट है, तो हम ऐसे व्यक्ति को किडनी लगा सकते हैं। इसमें उम्र का कोई ये नहीं रहता है, कोई कट ऑफ नहीं रहता है कि इतने साल की उम्र के व्यक्ति का ट्रांसप्लांट नहीं होता है। बेसिकली उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं होना चाहिए जिनसे उनका जीवन ऑलरेडी खतरे में है और उसके ऊपर किडनी ख़राब है। किडनी ट्रांसप्लांट तभी किया जाता है जब किडनी ट्रांसप्लांट करने से पेशेंट को लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है। ओके, कोई ऐसी डाइटरी चेंजेस किए जाते हैं वाइल ट्रीटमेंट या आफ्टर ट्रीटमेंट? डाइटरी जो टीम चेंजेस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। जैसा आधी से ज़्यादा बीमारियां खान पान से होती है, अगर हमारा खान पान सही रहा तो हमें बीमारी ही ना हो। तो एक बार बीमारी हो गई तो खान पान को सुधारना और भी आवश्यक तो हो जाता है। और किडनी ऐसा ऑर्गन है जो हमारा जो केमिकल क्लियरेंस रहता है बॉडी का, जो भी हम शरीर में डाल रहे हैं उसमें लीवर और किडनी ऐसे दो ऑर्गन्स रहते हैं जो पूरे केमिकल्स को हैंडल करते हैं। तो इसलिए जो जिनकी किडनी ख़राब हो गई है उनको पानी की मात्रा सीमित रखना है, क्योंकि किडनी बराबर काम नहीं कर रही है। तो पानी लिमिटेड पीना है, नमक की मात्रा सीमित रखना है, क्योंकि नमक अगर हम ज़्यादा लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सूजन आ जाएगी। तो नमक कम खाना है, पानी कम पीना है। उसी तरह पोटेशियम एक जो रसायन होता है वह शरीर में सिर्फ किडनी के द्वारा ही बाहर फेंका जाता है। तो ऐसे कई पेशेंट्स रहते हैं और पोटेशियम का डायरेक्ट कनेक्शन हार्ट से रहता है, अगर पोटेशियम बढ़ गया तो सीधा हार्ट पे इफ़ेक्ट होके पेशेंट की जान जा सकती है। तो पोटेशियम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है किडनी के पेशेंट को, तो पोटेशियम भी खाने में सीमित करना पड़ता है। उसी तरह जो ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन रहता है उसमें प्रोटीन इंटेक भी हमें कुछ कम करना पड़ता है, जितना ज़रूरी है उससे थोड़ा कम प्रोटीन लेना पड़ता है। तो इस तरह से हमको काफ़ी सारे जो डाइटरी प्रिकॉशंस है वो किडनी की बीमारी में लेना पड़ता है। वैसे डॉक्टर कितान, डाइटरी चेंजेस तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में वैसे भी करने चाहिए, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई है कि हम बस जो मिलता है या जो पेट जिससे भरता है हम वो एक्चुअली खाते हैं। हम अपने जो मील है वो प्रॉपर नहीं है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो स्केड्यूल है वो प्रॉपर नहीं है। और दर्शकों, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि आपको अपने डाइटरी चेंजेस करने बहुत ज़रूरी हैं अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है। तो लाइफस्टाइल भी लाने पड़ सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। आपका आहार संतुलित होना ज़रूरी है, आपके लिए नियमित व्यायाम बहुत ज़रूरी है, आपको अपना आपका वजन रखना संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीन चीज़ होती है तो हम बीमारियों को काफ़ी दूर ढकेल सकते हैं और अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर किरण, अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट अंडरगो करता है उसके बाद कोई लाइफस्टाइल चेंजेस आप लोग प्रिस्क्राइब करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है तो हम एक हमारे बॉडी में ऐसी जो शक्ति रहती है जो फॉरेन मटेरियल को आइडेंटिफाई करती है, तो अपना और पराए की जानकारी रखती है। ऐसी इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम जो रहता है हमारे शरीर का, वह आइडेंटिफाई कर लेता है कि यह अपना है कि पराया है। तो अगर हम अपने रिश्तेदार की किडनी भी अगर हम अपने मरीज को लगाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करता है कि एक फॉरेन बॉडी आ गया है अपने शरीर में, और वह इम्यून सिस्टम उस किडनी को नुकसान करने की कोशिश करता है, उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है, जिसे हम रिजेक्शन कहते हैं। तो यह रिजेक्शन, हमने किडनी लगाई तो है अच्छे के लिए, हम नहीं चाहते कि उसका किडनी जो लगाया है वो रिजेक्ट हो जाए। तो रिजेक्शन ना हो इसके लिए हमको पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक करना पड़ता है, जिससे वो पराए को अपना करके ट्रीट कर सके।
और वो बॉडी में एक्सेप्ट कर सके, इसलिए उनको जो पेशेंट्स रहते हैं उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशंस लेनी पड़ती है। तो जब लाइफ लॉन्ग पेशेंट इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन पे रहता है तो उसकी जो प्रतिकार क्षमता रहती है, रोगों से लड़ने की क्षमता, वो कमज़ोर हो जाती है, उसको जल्दी से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए उसे बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ऑपरेशन के बाद में भी, स्पेशली जो पहले 3 महीने उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि आम जगहों पर नहीं घूमना, भीड़ भाड़ में नहीं जाना, घर का बनाया हुआ खाना ही खाना, पानी उबाल के पीना, साफ़ सफाई बरतना। तो इस तरह से ऑपरेशन के बाद भी काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और जो इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन है वो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। पोस्ट ट्रांसप्लांट क्या ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं यूजुअली? पोस्ट ट्रांसप्लांट काफ़ी सारे, यानी आमतौर पे तो पूरी कोशिश की जाती है कि पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पेशेंट को रिजेक्शन हो सकता है, वो रिजेक्शन के भी तरह तरह के प्रकार होते हैं। एक रिजेक्शन टेबल पे ही हो सकता है, जैसे हमने किडनी लगाई उसको जोड़ी और ब्लड फ्लो चालू किया, वैसे टेबल पे रिजेक्शन जिसको हम हाइपर एक्यूट रिजेक्शन कहते हैं। तो तरह तरह के रिजेक्शन होते हैं, एक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन होता है, क्रॉनिक रिजेक्शन होता है। ऐसे पहला हो गया रिजेक्शन, फिर दूसरा मैंने आपको कहा कि इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शन भी किडनी को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो तरह तरह के वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो हो सकते हैं, उससे हमको पेशेंट को सेफ रखना पड़ता है। फिर वो कुछ जो दवाइयाँ दी जाती है उससे पेशेंट को शुगर बढ़ सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, जिसे हम पोस्ट ट्रांसप्लांट डायबिटीज़ कहते हैं। पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो सकता है, इन्हीं दवाइयों के जो ब्लड प्रेशर इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन, उससे बीपी बढ़ सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। तो इस तरह से काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहती है ट्रांसप्लांट के बाद भी, और वो किडनी को सुरक्षित रखने के लिए। पर क्या ये प्रोसीजर एक लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल दे सकता है? एक अगर हम दो इलाज है हमारे पास, एक है डायलिसिस, दूसरा है ट्रांसप्लांट। अगर हम इसको एक तराजू में रख दें कि कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा है, तो डेफिनेटली किडनी ट्रांसप्लांट से जो फ़ायदे है वो उतने फ़ायदे डायलिसिस से नहीं हो सकते। तो ट्रांसप्लांट एज़ फार एज़ द ईयर्स ऑफ लाइफ एडेड टू द नंबर ऑफ ईयर्स विच आर एडेड टू द लाइफ फॉलोइंग ट्रांसप्लांट, सेकेंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इज़ देयर आफ्टर द ट्रांसप्लांट, वो उसका डायलिसिस से कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डायलिसिस पे रहने से कहीं बेहतर है कि एक चांस ट्रांसप्लांट का लिया जाए। जी जी, हर डिज़ीज़ को लेकर डॉक्टर कितान बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं होती हैं, देर आर सो नंबर ऑफ मिथ्स। आप भी रेगुलर इतने पेशेंट्स को डील करते हैं और आपको भी इतने कई सवाल पूछे जाते होंगे, ऐसी कौन सी धारणाएँ जो यहाँ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है? सबसे पहली धारणा है कि पानी पीने से किडनी अच्छी रहती है। ये कुछ जो बीमारियां रहती है किडनी संबंधित, जैसे स्टोन डिसीज रहता है, तो स्टोन डिसीज जो ऐसा एक बीमारी है जिसमें हम ज़्यादा पानी पिए तो हमारी किडनी प्रोटेक्ट हो सकती है, स्टोन फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी जो बीमारियाँ हैं उसमें अधिक पानी पीने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए जिनको किडनी की बीमारी है उन्होंने बहुत पानी पीना चाहिए, ये सबसे पहली बहुत बड़ी गलत धारणा है। तो लोगों ने ये धारणा बिल्कुल रखना नहीं चाहिए कि पानी पीने से किडनी अच्छी रहेगी और अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपके डॉक्टर ने बोला है आपको कि पानी कम पीना है, मतलब आपको पानी कम पीना है। दूसरा, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ इज़ इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव। तो लोग आमतौर पे गलत झांसों में आ जाते हैं कि फलाने दवाई से किडनी ठीक हो जाएगी, यानी मिसगाइड किया जाता है पेशेंट्स को, गलत आश्वासन दिए जाते हैं कि उनकी किडनी ठीक हो सकती है, जो कि वास्तव में रहता नहीं। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ प्रोग्रेसिव रहेगा और ठीक नहीं हो सकेगा।
आप चाहे कोई भी पैथी का इलाज करा लें वो ठीक नहीं होगा, तो ये एक गलत धारणा है। तीसरा है ओवर द टेबल जो ओवर द काउंटर मेडिसिंस लेते हैं, खास करके पेन किलर्स, वह मरीजों ने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो ओवर द काउंटर पेन किलर्स रहते हैं उससे किडनी ख़राब हो सकती है। उसी तरह काफ़ी सारे हर्बल जो मेडिसिंस रहते हैं, हर्बल ट्रीटमेंट रहते हैं, वह भी किडनी ख़राब कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हर्बल मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो ऐसा नहीं रहता है। जिस दवाई का इफ़ेक्ट है उसका साइड इफ़ेक्ट भी है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसका इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट ना हो, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट रहता ही है, चाहे वो एलोपैथी दवाई हो, चाहे होम्योपैथिक दवाई हो, चाहे आयुर्वेदिक दवा हो। तो हर दवा का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो ऐसा काफ़ी ऐसा जो लोगों को बताया जाता है कि ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो वो मैं कहना चाहूँगा कि वो एक गलत धारणा है। डॉक्टर, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एंड खासकर जब किसी ट्रांसप्लांट की बात आती है तो जो पेशेंट हैं और उसकी फैमिली है, बहुत ज़्यादा उनका मोराल डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। एंड किंग्सवे हॉस्पिटल इज़ वर्किंग सो वेल, अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करें, इन एवरी मेडिकल कंडीशन। एंड किंग्सवे में जिस तरह से पेशेंट को ट्रांसप्लांट की बात बताई जाती है, तो किस तरह काउंसिल किया जाता है, हाउ डज इट वर्क एक्चुअली? हम लोग अभी जैसा ट्रांसप्लांट एंड से ऑर्गन डिसीज़ के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट ही है, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो, चाहे लंग ट्रांसप्लांट हो, चाहे लीवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, या कोई भी एंड ऑर्गन फेलियर हो गया है, तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट ही है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट ही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि किंग्सवे अस्पताल में हम ऐसी सुविधाएँ लाएँ जहाँ हर ऑर्गन का ट्रांसप्लांट, स्पेशली हम ऑलरेडी किडनी ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, लीवर ट्रांसप्लांट की भी हमें परमिशन आ चुकी है और हम जल्दी लीवर ट्रांसप्लांट भी शुरू हो जाएगा। उसी तरह हमें लंग ट्रांसप्लांट की भी परमिशन मिल गई है और कुछ ही दिनों में हमें हार्ट ट्रांसप्लांट की परमिशन भी मिल जाएगी। तो हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है अपने नागपुर रीजन के लिए और नागपुर और सराउंडिंग रीजन के लिए, कि इन इलाजों के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े और उनका हमारे शहर में ही अच्छे से अच्छे और कम खर्चों में उनका इलाज हो सके और उनको एक अच्छी लाइफ मिल सके, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं जी। कोई ऐसे दर्शक हैं जो ट्रांसप्लांट के लिए अब उनका प्रोसीजर चल रहा होगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक उन्हें मोरल बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है? नहीं, ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट जिनको ज़रूरी है उनको करना ज़रूरी है, और जितना जल्दी करेंगे उतना कम खर्च होगा, उतनी कम तकलीफ होगी। तो कोशिश ये करना चाहिए, अगर डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट एडवाइस की है तो जल्दी से जल्दी जो जो जाँचें उसके लिए ज़रूरी है वो करवाइए, क्योंकि बात वहाँ पे नहीं रुकती है, बात रुकती है लिविंग डोनेशन में। हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए पेपर्स तैयार करने पड़ते हैं, एफिडेविट्स तैयार, तो काफ़ी समय जाता है। एक बार अगर डोनर आके हमारे पास तैयारी करने को बोलता है तो कम से कम 1.5 से 2 महीना तैयारी में चले जाता है, तो इसीलिए उसमें डिले ना करें, उसमें जल्दी से जल्दी जो जो प्रोसेस हो सकती है वो करवा के और ट्रांसप्लांट जल्दी से जल्दी करें, जिससे उनकी दुविधा भी कम होगी और खर्च भी कम होगा जी। लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अपनी किडनी को सुरक्षित रखने के लिए, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रखिए, और हर वर्ष अपनी किडनी की जाँच कराइए, अपनी आँखों की जाँच कराइए, अपने हार्ट की जांच कराइए, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करके, घर में भी मॉनिटर करके आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, और अगर आप मोटापे से ग्रसित है तो आपको आहार से, एक्सरसाइज से आपका वज़न कम करना है, खाने में नमक की मात्रा संतुलित करनी है, और पानी जितना शरीर को ज़रूरत है उतना पीना है। आमतौर पे 2 से 3 लीटर पानी
काफ़ी रहता है दिन भर में, उससे ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो हम कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिए, नमक का सेवन ज़्यादा ना करें और अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, ये और नियमित रूप से व्यायाम करें। ये मैं सब दर्शकों को मैसेज देना चाहूँगा, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनके किडनी भी स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर खेतान, आपकी ये सारी जानकारी बहुत काम आएगी हमारे दर्शकों को। तो आज हमारे साथ थे किंग्सवे हॉस्पिटल के द मैनेजिंग डायरेक्टर, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर प्रकाश खेतान। तो आज बस इतना ही। जिस तरह से डॉक्टर खेतान ने कहा कि लाइफस्टाइल चेंज करना और लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, अपने डाइटरी चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ किडनी की बात नहीं होगी, अगर आप किसी भी डिजीज़ से बचना चाहते हैं, कहते ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो बस उसी का ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। आज माई डॉक्टर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ, तब तक लिए देखते रहिएगा VKB न्यूज़। नमस्कार। बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर इस सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो My Doctor, सिर्फ VKB News पर।